कम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड हाँ, मैं चलते चलते व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड तो देखो कैसा है ना आज का व्लॉग, कुछ अलग ही धांसुदार है। क्योंकि देखो कैसा रहने वाला है, कल है बुधवार, आज है मंगलवार, कल है बुधवार एंड परसों की बात में, परसों यानी आज यानी कल से पल्ले दिन पे है जुमेरात यानी ईद। तो ईद है एंड ईद पे बड़ा मज़ा आने वाला है। बिकॉज यार सुबह सुबह में देखो कैसा ना रहता है ना, मैं बताता हूँ। ये भाई कुत्ता हमेशा इधर ये आके भाई ख़राब कर देता है। क्यों भाई, भाई क्या भाई ख़राब क्यों कर रहा है भाई? कहाँ से गाय सी गाय वाय खाती है, मतलब ये चारा अपना, तो चारा यहाँ पर ये कुत्ता आके ख़राब कर रहा है। ऐसे बखेरते चिल्ला ही हमारी पड़ा क्यों? हाँ नहीं तो मतलब ऐसा है। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बट मज़ा पता है किस लिए आने वाला है। क्योंकि देखो कल के बाद में आज है मंगलवार, तो इसीलिए मैं आज है छुट्टी, ठीक है? तो कल के बाद में परसों नहीं है छुट्टी। तो यहाँ पर कैसा रहने वाला है, 9 बजे सुबह के 9 बजे यहाँ पर मशीन चालू हो जाएगी। अभी नहीं, ईद वाले दिन तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि वो मशीन चालू हो जाएगी तो बहुत मतलब अजीब सा लगेगा भाई ईद वाले दिन मशीन। बट क्या कर सकते हैं, बट अच्छा 9 बजे होगी, सुबह ही सुबह नहीं होगी तो 9 बजे नमाज होगी। तो मुझे तो ना अच्छा लगता है, मतलब कि सुबह सुबह में ईद रहती है, क्योंकि दोपहर में रहती है तो मज़ा भी नहीं आता धूप खड़े ऊपर से। सुबह में कैसा रहता है भाई, तुम उठ भी जल्दी जाते हो इस वजह से, और खुशी भी अलग रहती है सुबह सुबह की। दोपहर में तो सोचो कि अभी तो भाई बहुत सारे घंटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो सुबह को होनी है। सुबह की क्या रहता है ना, सुबह की भाई जल्दी रहती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सुबह। मतलब वाले दिन पे भाई सुबह में उठने के बाद में सुबह सुबह में इस इंजन पे नहाने वाला हूँ। ये इंजन दिखाऊंगा इस आप लोगों को, ये इंजन दिखाने वाला हूँ मैं। तो ईद पे भाई मुझे तो बड़ी खुशी रहती है कि भाई जल्दी से नहाओ और भाई कपड़े वपड़े उतारो मज़े से भाई। जो आज तो नहीं है, कल के बाद में परसों है ईद, तो आप लोगों से तभी मिलते हैं। बट अभी मेरी कुछ बात सुन लो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तब तो सुबह सुबह में इतने ही टाइम यहाँ पर आके आराम से नहाने वाले हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में यहाँ पर आके आराम से नहाने वाले हैं। तो देखो गाइस इस पर कैसा रहता है, नहीं ये देखो, अरे भाई क्या पानी गिर रहा है भाई, इसके नीचे बैठो कितना मस्त लगता है ना। बट एक चीज़ और तो वो है, जैसे ही मैं इसको खोलूँगा भाई ये फुल फुल, ये देखो ये फुल भर हुआ है, यहाँ से लीक भी हो रहा है, पानी इतना भर चुका है ये, और ये थोड़ा सा पिचक भी गया, इतना भर चुका है भाई ये। बिकॉज ये लोकल मटेरियल है तो इस वजह से और ज़्यादा। एंड ये चुज्जा क्या कर रहा है, मैं थक कर रहा हूँ, ये बिल्ला क्या कर रहा है भाई यहाँ पर? तो भाई ईद वाले दिन भाई जल्दी से आएंगे और इसके नीचे नहाएंगे, क्योंकि भाई साहब टाइम नहीं मिल पाता है ना नहाने का। तो भाई ये पूरा भरा हुआ होगा ईद वाले दिन। वैसे आज तो मंगलवार है, आज छुट्टी है, इस वजह से मैंने ब्लॉग चालू कर दिया। आप लोग सीधा ईद वाले दिन मिलेंगे, बट ईद पे जो मैं नहाऊंगा ना, इससे ऐसा नहीं है, मैं देखो रुको रुको पहले आप लोगों को दिखाई देता हूँ, एक सेकंड यार बहुत तेज प्रेशर आता है, बट दिखा देता हूँ। भाई ये आ रहा देखो, मैं भेजूँगा, अबे मोबाइल भेज गया। अबे यार, अबे यहाँ को घूमेगा, चल चल भाई कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अरे खराब हो जा, कस जा भाई इस पे से। अभी तो ये डेमो था भाई, रियल में तो और ख़तरनाक है। तो भाई ये इतना ज़्यादा इसके नीचे बैठ के, अभी मैं आज मंगलवार है ना, तो आज छुट्टी है, तो आज मैं दोपहर में नहाने वाला हूँ इसके नीचे बैठ के, तो बड़ा मज़ा आएगा इसके नीचे यहाँ पर बैठ के। आज दोपहर में मैं नहाने वाला हूँ, वैसे तो मेरा मन करता है भाई नहाता ही रहूँ इसके नीचे बैठ के। कल परसों शाम में नहाया था ना यहाँ पर, तो भाई जो मज़ा आया था, फिर कल शाम में मैं नहाया था, लेकिन जो है ना मैं नहा, तो फिर आज मैंने सोची जल्दी नहा लूँ, अभी मन कर रहा है मेरा नहा लूँ, लेकिन दोपहर में नहाना, दोपहर में कैसा रहता है कोई आएगा नहीं यहाँ पर, ऐसा ही सुनसान रहेगा ये, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है दोपहर में। तो आप लोग सीधा ईद वाले दिन मिलते हैं। तो भाई सभी हम लोग जाने वाले थे पैदल, बट अभी पैदल नहीं जा पाएंगे, बट पता है अभी हम लोग कैसे जाने वाले हैं, अभी हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं। वैसे यार मज़ा नहीं आया, देखो गाड़ी से ना मस्जिद, देखो यहाँ पर नहीं है, मैं बता दूँ लोगों को। हाँ
देखो हम लोग यहाँ से सीधा जाते हैं और ऐसे करके ऐसे यहाँ पर एक रोड आता है यहाँ पर, और अब मैं कैसे बताऊँ भाई टाइम कम है। तो अभी हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं, गला में जाने वाला है। बट यार शुरू में ना अजीब सा लगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलते हैं गाड़ी से ही चलते हैं। तो गाड़ी से तो हम लोग पहले जाने वाले हैं, अब तीन महीने हैं ओके। तो मैं रास्ते पर तो देखो वीडियो नहीं बना सकता हूँ गाड़ी पर, बट जब पहुँच जाएंगे ना तभी आराम से बना के दिखा दूँगा। जब सब लोग गले मिलते होंगे मतलब ईजी तो दिखा दूँगा मैं, जब फूल वूल मिलते होंगे। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ईद का कैसा माहौल है, मतलब सब लोग गले मिल रहे हैं आराम से, कितना ज़्यादा मस्त से एकदम माहौल है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं एक कहीं साइड में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं भी काफ़ी लोगों से गले मिल चुका था इसलिए अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इससे भी ज़्यादा आवाज़ आती है, बट वो पहले से ही चले गए थे, मतलब टाइम नहीं मिल पाया, मतलब कुछ लोग पहले ही चले गए थे तो अभी ये कुछ लोग और बचे हुए हैं। तो आप लोग इन्हें देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ है यहाँ पर। एंड उसी के साथ गाइस आप लोग मस्जिद भी देख सकते हो, कितनी खूबसूरत एकदम प्यारी सी मस्जिद भी है यहाँ पे, एंड सब लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ठीक है गाइस व्लॉग को एंड कर देते हैं यहीं पर।